हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन के RRB JE के प्रीवियस क्वेश्चन। 4 वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। जितने भी RRB JE के प्रीवियस क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक मशीन के RRB JE के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ RRB JE में हाइड्रोलिक मशीन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। जैसे कि आपके टर्बाइन हो गए, पंप हो गए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है RRB JE के सिलेबस में नहीं है। आगे कोई नया शेड्यूल जारी हो जाता है तो उसमें सिलेबस चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई हेड टर्बाइन? प्रोपेलर टर्बाइन, फ्रांसिस, कैप्लान या फिर पेल्टन। देखिए, जो टर्बाइन हाई हेड होंगे ना, हाई हेड, वो होंगे आपके, उसका डिस्चार्ज कम होगा और ये इंपल्स टर्बाइन होते हैं। तो इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल है पेल्टन व्हील टर्बाइन। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, पेल्टन व्हील टर्बाइन। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है इंपल्स टर्बाइन है और ये हाई हेड टर्बाइन है। और यदि मैं बात करूं लो हेड की, लो हेड में यदि मैं बात करूंगा तो वहाँ पे जो है डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। डिस्चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। और इसके अंदर आते हैं आपके रिएक्शन टर्बाइन। अब रिएक्शन टर्बाइन के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्रोपेलर, फ्रांसिस और कैप्लान। ये जो प्रोपेलर है ये सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है इनके अंदर, प्रोपेलर और कैप्लान। फ्रांसिस जो है ये मिक्स्ड टर्बाइन है, यानी कि इसके अंदर जो है हेड थोड़ा कम होता है और डिस्चार्ज भी इन दोनों से, यानी कि प्रोपेलर और कैप्लान से थोड़ा कम होता है। यानी कि ये मीडियम टर्बाइन है, या इसे हम कह सकते हैं मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन है। तो यदि आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस टर्बाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टर्बाइन? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा तो आप इजीली कर पाएंगे। मोमेंटम टर्बाइन, प्रोपेलर, इंपल्स, रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। मोमेंटम टर्बाइन कोई टर्बाइन नहीं होता, प्रोपेलर टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। तो ये हमारे 2 टाइप के टर्बाइन होते हैं, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। ये जो प्रोपेलर है ये रिएक्शन टर्बाइन का पार्ट है। फ्रांसिस टर्बाइन इज यूजली यूज फॉर मीडियम हेड, लोअर हेड, हायर हेड या फिर लोअर, मीडियम एंड हायर हेड। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फ्रांसिस टर्बाइन होता है वो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होता है और वो मीडियम हेड के लिए यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पे जो 1 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ इट्स इम्पेलर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द इम्पेलर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ इट्स इम्पेलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हम बात करें डिस्चार्ज की, देखिए डिस्चार्ज, हेड और पावर, तीनों को मैं बता देता हूँ। यदि आपको डिस्चार्ज पूछे तो डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, हेड पूछे हेड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, और पावर जो होता है वो होता है स्पीड की 3 पावर, यानी कि क्यूब ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे डिस्चार्ज का पूछा गया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ इट्स इम्पेलर, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों आपको याद रखने हैं। कई बार जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आगे एक न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं पे बेस्ड होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है ना, ये होते हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप। हैज़ एन ओवरऑल एफिशिएंसी इज 88% एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 92%। व्हाट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी? यदि हम बात करें ओवरऑल एफिशिएंसी की, तो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है आपकी, जितनी भी एफिशिएंसी होती है उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यदि मेरे को मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ओवरऑल एफिशिएंसी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी। ओवरऑल आपको कितनी दे रखी है, 88 और ये आपके 92% दे रखी है। तो परसेंट दोनों में ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, जब भी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो आपकी कैलकुलेशन मैं बहुत ही ईजी कर देता हूँ। जैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 4 से तो कट ही जाएगा, तो 4 से कटेगा तो ये आपका 2 आ जाएगा और ये कटेगा तो 2 और 3, यानी कि 22/23। अब आप सभी को पता है 22 जो है 23 से एक ही कम है, यानी कि कम से कम 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा आगे कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 इसमें एक ही में है। वैसे आप देख सकते हैं 23 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 से थोड़ा सा ही कम रहेगा। तो ऐसे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको जो है टाइम बचाना है। ए हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या फिर बॉल्स लॉ। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोलिक रैम, जितने भी हाइड्रोलिक चीज़ें होती हैं वो पास्कल लॉ पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और पास्कल लॉ बहुत बार बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि पास्कल लॉ के बारे में आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी, थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर या फिर डीजल। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट याद करने का है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होते हैं उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और यदि मिनिमम की बात करें तो ये जो थर्मल होते हैं इनकी एफिशिएंसी मिनिमम होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, स्पीड दे रखी है, फ्लो यानी कि डिस्चार्ज दे रखा है, हेड पावर दे रखी है। इफ स्पीड इज इंक्रीज टू 1500 आरपीएम न्यू फ्लो विल बी, यानी कि आपको जो डिस्चार्ज है वो निकालना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज क्या हो रहा है, स्पीड यानी कि एन इंक्रीज हो रहा है। पूछा क्या है, चेंज इन फ्लो, फ्लो यानी कि डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और डिस्चार्ज में रिलेशन क्या होता है। यदि हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की तो अभी मैंने आपको बताया था Q इज प्रोपोर्शनल टू N, और यदि यहाँ पे हेड और स्पीड के बीच में पूछता तो यहाँ पे हेड हमारा हो जाता स्पीड के पावर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यदि पावर पूछता तो एन क्यूब हो जाता। तो यहाँ पे यदि इतना सा आपको पता है तो ऐसा क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ Q1/Q2 बराबर N1/N2। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, Q2, Q1 दे रखा है कितना है 1200/Q2। देखिए मैं क्या होता है आपको प्रोसेस बताता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। N1 कितना है 1000 और फिर इंक्रीज होके कितना हो गया 1500, तो आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 और ये आपका 3, तो वो 6×3=18, यानी कि Q2 की वैल्यू 1800 आ जाएगी क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये क्यूबिक मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको सिंपली याद होना चाहिए ये 3 फॉर्मूले, और यहाँ पे Q इज प्रोपोर्शनल टू N। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है। कैविटेशन विल बिगिन व्हेन प्रेशर एट एनी लोकेशन रीचेज प्रेशर इक्वल टू दी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर बिकम मोर देन क्रिटिकल प्रेशर, फ्लो इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो बहुत ही सिंपल है, कैविटेशन कब होता है जब हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल या फिर उससे कम हो जाता है, तब जो बबल्स होते हैं वो फटने लगते हैं और वहाँ पे कैविटेशन हो जाता है। कैविटेशन एक नेगेटिव फिनोमिना है। वाई इज मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड, यहाँ पे मल्टी स्टेज का मतलब क्या है, एक स्टेज के बाद में देखिए यहाँ से हमने पंप हेड इतना पहुँचा दिया, दूसरा और ये तीसरा। ऐसा हम कब करते हैं, जब हमारा हेड इंक्रीज करना हो। तो हमारा जो आंसर है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फॉर हाई फ्लो रेट हाई हेड, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। हेड हमको इंक्रीज करना होता है। यदि हमको डिस्चार्ज इंक्रीज करना हो यानी कि फ्लो रेट इंक्रीज करनी हो तो हम क्या करते हैं, पंप को जो है पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, किसमें पैरेलल। और यदि हमको हेड इंक्रीज करना है तो हम किसमें कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख देंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यदि आप टेस्ट आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी यूपीआई आईडी है, यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।